कुछ और कदम मदन जी, और मैं अब तक पहुंच ही जाऊंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस कुछ और पहर और मैं आपको बचा ही लूंगी। You've arrived at your destination. यही जगह, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये नीचे से आवाज कैसी? अरे भाभी जी, आप रहने दीजिए, आप मत देखिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि लाश देखते ही मैं बेहोश हो जाऊंगी। अरे मैं शालिनी हूँ, शालिनी, लोग मुझे देख के बेहोश होते हैं। मैं डरती वरती नहीं हूँ, दिखाइए, खोलिए ना। मेरी दोस्त की बीवी चली गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो दुनिया भर में अपनी बीवी को ढूंढ रहा है और उसकी बीवी सस्ते से सूटकेस में पड़ी हुई है। दुख तो मुझे भी है जी, पर इस बात की खुशी है कि आपने कालिंदी को अपने रूम में छुपे हुए देख लिया। और छानबीन के बाद आपको पता चल गया था कि उसने राघव के पेपर्स देख लिए थे और हमारा पर्दाफाश करने वाली है। आपने देख लिया और हमने प्लान बना लिया, मदन को अगवा कर लिया और उसे शिकार बना के कालिंदी को जंगल में खींच लिया। लेकिन तुमने भी तो सोने पे सुहागा किया ना शालिनी, उसे जंगल में लाल कुमकुम के साथ नहला दिया तुमने ताकि ब्रह्म राक्षस उसकी बोटी बोटी कर दे। कहते हैं वो ब्रह्म राक्षस को मार सकती है ना, बिना किसी शस्त्र से अकेली निहत्थी जंगल में, ये तो नहीं हो पाएगा। कहीं पड़ी होगी उसकी लाश इस वक्त और लोगों को लगेगा कि उसे ब्रह्म राक्षस ने मार दिया। लेकिन सबको पता है कि कालिंदी एक बहुत ही समझदार लड़की है, उसकी लाश मिलने के बाद लोग तो सवाल करेंगे ही ना हमसे कि हमने उसे जाने क्यों दिया वगैरह वगैरह, तो हम क्या जवाब देंगे? उसका भी तो जवाब है शालिनी, उसका वो प्यार अंगद जिसने ढिंडोरा पीटा था कि मैं परिधि के साथ शादी करूंगा और कालिंदी को कभी जिंदगी में नहीं देखूंगा। उसके दिल को लग गई बात, प्यार को गवाने के कारण दुखी हो गई और आत्महत्या के बारे में सोचने लगी। कोई जहर पी के आत्महत्या करता है, कोई कूद के आत्महत्या करता है। कालिंदी ने कुछ नया सोचा, उसने सोचा मैं लाल रंग में नहा के ब्रह्म राक्षस के पास जाती हूँ, ब्रह्म राक्षस मार देगा मुझे। क्यों? बस हो गया चलिए बस। लेकिन मुझे कालिंदी के लिए फिर भी बहुत बुरा लग रहा है। ओहो पृथ्वी जी, आप क्यों रो रहे हैं? आज एक बेटी मरी है लेकिन दूसरी की शादी भी तो है। भाई गॉड, दिल पे छुरियां चल गई यार। क्या कर रहा हूँ, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। होने दो यार, दुल्हन सुहागरात के लिए सजी है ना। अच्छा तो आज रात फिर से हमारी सुहागरात। ये देखो क्या हुआ, कहते हैं कि चूड़े का कपड़ा शादी से पहले गिर जाए तो किसी की नजर लग जाती है। नजर तो लग गई है तुम्हें, मेरी नजर बहुत बुरी नजर है तुम्हारी।
मदन जी, उमा तुम में बहुत शक्ति है उमा, काली माँ की शक्ति। उस शक्ति को याद करो, उस शक्ति का नाम लो, काली माँ का नाम लो उमा। जय माँ काली। अंगद पुत्र, आज मेरे देश में तुझे देसी रूप में देखकर मेरे दिल को ठंडक पै गई। मेरा सर एकदम से गर्व से ऊंचा हो गया। आज तू अपने वतन की मिट्टी का हो गया। देख, देसी दूल्हा बनाया तू, कितना सोना लग रहा है। सोना तो लगूंगा ही ना डैड, आपके मन की जो कर रहा हूँ और आपके मन की करूंगा। विश्वास रखिए, जिस लड़की के लिए आपने जुबान दी है ना, शादी उसी से होगी। जीतता रे पुत्र, जीतता। अरे पंडित जी, रमा बहन कहाँ है तुम्हारी? एक्चुअली मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हूँ मतलब, मैंने तुमसे कहा था ना उसके साथ साथ रहना। वही मैं वही कर रही थी, लेकिन ये मुझे फूल बना के चली गई। उन्होंने मुझे बोला ऑरेंज जूस लेकर आओ, मैं लेने गई और दी आया। ऑरेंज जूस तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह यस, दी को तो ऑरेंज जूस से एसिडिटी हो जाती है। वो तुमको फूल बना के गई, उसे ऐसी कौन सी जगह जाना था? देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। पुत्र, हवा में क्या जिगजैग बातें हो रही। अभी तुम्हारी शादी है और ये आसन दिख रहा है ना, ये दूल्हे का है, मतलब कि तुम्हारा, और तुम्हें इस पर बैठना है। पुत्र, आज तुम्हारी शादी है, मतलब कि तुम इस मंडप में सिर्फ दुल्हन के साथ बैठोगे, और तुझे ना इधर उधर कहीं देखना है और ना इधर उधर कहीं जाना है। बेटा बैठ जा, इस परिवार ने बहुत सहा है, बहुत कुछ हुआ है इनके साथ। इनका बस एक ही अरमान है कि इनकी बेटी की शादी तेरे साथ हो जाए। बेटा शादी होने दे, बेटा बैठ जा। मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ होना। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया यार। जब से मैंने अम्बाला में कदम रखा है ना, तब से ही मैं अंधा हो गया हूँ। वो क्या बोलते हैं उसको, आशिक आवारा, पागल दीवाना, ऐसा सा हो गया हूँ। मुझे ऐसा बन के नहीं रहना। अगर ऐसा बन के रहा ना तो मैं किसी लड़की के साथ कभी सेटल नहीं हो पाऊंगा। तुम्हारे चक्करों में पागल होता चला जाऊंगा। मुझे शादी करनी है और मैं शादी कर रहा हूँ। सॉरी कालिंदी, मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, तुम्हें यहाँ से भेज दिया, पर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। इनफैक्ट सिर्फ तुम्हारी ही जरूरत है। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ दें हस्त मिलाप की विधि के लिए। ये शादी नहीं हो सकती है। मम, रोक दीजिए इस शादी को। दामिनी क्या कर रही हो? शादी की रस्म हो रही है तो तुमने बीच में रोक दी। शादी ऐसे रोकनी शुभ नहीं होती। तो ये शादी कौन सी शुभ हो रही है? ये तुम क्या बोल रही हो? वही जो मैंने देखा। क्या देखा तुमने? शालिनी एंड पृथ्वी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं सब लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने जा रही हूँ जिसे कोई भी माँ बाप नहीं देख पाएगा। उसकी नजरें शर्म से झुक जाएंगी, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बेटे अंगद की जिंदगी का सवाल है, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सो यू हैव टू सी द रियलिटी।
आई एम रियली सॉरी, इतना ही काफी होगा। एंड तक आप दोनों देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप दोनों ने अगर ये क्लिप पूरी देख ली तो फिर अपनी नजरें ना किसी को मिला नहीं पाओगे। मैं अपने बेटों के लिए अच्छी माँ तो नहीं बन पाई होंगी, लेकिन ऐसी माँ जरूर हूँ जो ये बात जानती है कि मेरे बेटों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ पहले से ही कि परिधि मेरे बेटे की बीवी कभी नहीं बन सकती थी। लेकिन फिर क्या करूं, मेरे महान पति देव, उन्हें अपने वतन की मिट्टी भी सोना लगती है। शालिनी, आपकी बेटी तो गलत थी ही, लेकिन आप दोनों ने उससे भी बड़ी गलती की है, उसकी गलतियों को छुपाकर। आपको क्या लगता था कि आपकी बेटी कहीं और अफेयर चलाएगी और मेरे घर की बहू बन जाएगी, मेरे बेटे की पत्नी? नहीं, आप लोग तो जानते ही नहीं थे कि दामिनी की नजरें बहुत तेज हैं, जो दूसरों की नजरें पढ़ लेती है और परख भी लेती है। मैंने देख भी लिया और सबको दिखा भी दिया। और ये शादी अब नहीं हो सकती, क्योंकि ये परिधि मेरे घर की बहू और मेरे अंगद की पत्नी कभी नहीं बन सकती। Mom, I love you, I love you, I love you, I love you so much. You're Mother India, you're Superwoman. आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। एंड पेरी पेरी, कमाल की लड़की हो यार तुम। मतलब शादी वाले दिन ही सुहागरात, वो भी किसी और के साथ। कसम तुम्हारी सुहागरात की अगर तुम लंदन में मिली होती ना, तो एक आधा नाइट आउट तो हो ही जाता हमारा। बट अब नहीं, शेम ऑन यू मैन। ये वैसे भी बहुत टैकी है। तो बेटा, ऐसा ये तो क्या कर रहा है बेटा? हो सकता है कुछ देखने में गड़बड़ हो गई हो, कुछ नजरों का फेर हो गया हो। तू मेरा संस्कारी बेटा है, ऐसे सब नहीं करते बेटा। शक्ति जी, स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग? यू नो आपके जो संस्कार है ना, उनका पुलिंदा बनाइए और लंदन के रिवर थेम्स में डालाइए। यू नो संस्कार होना अच्छी बात होती है, लेकिन संस्कार को इस तरीके से उछालना अच्छी बात नहीं होती है। मुझे देखिए, मैं इतनी मॉडर्न हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आपको धोखा दिया नहीं ना, क्योंकि मेरे अंदर जो संस्कार है वो इंडियन है, मैं इंडियन हूँ इसलिए। ये क्या कर रहा है बेटा? कोई ट्रैक सूट में शादी करता है क्या? अरे डैड, आपको क्या लगता है अगर मॉम नहीं आती तो मैं से शादी कर लेता? ना इसका दिल मुझसे मिलता है, ना इसकी सोच मुझसे मिलती है। डैड, मैं वैसे भी मंडप से उठ के भाग जाने वाला था, अगर मॉम नहीं भी आती तो भी आपका बेटा यहाँ से निकल जाता। चल रॉबिन। शर्म आती है तेरी बेशर्मी पे, आज सबके सामने हमारी नजर झुका दी तूने। रॉब, उमा की जान, आई मीन कालिंदी की जान खतरे में, मुझे उसे बचाने जाना होगा, वो जल्दी जल्दी में कहीं निकल गई। आई गॉट इट ब्रो, उमा की, आई मीन कालिंदी की जान खतरे में, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ, मतलब उसका मोबाइल ट्रेस कर रहा हूँ। जस्ट वन सेकंड, आई फाउंड है ब्रो, आई गॉट अ लोकेशन, बट ब्रो आप वहाँ नहीं जा सकते हो। क्यों ब्रो? क्योंकि ये वही जंगल है और वही लोकेशन है जहाँ पर उस ब्रह्म राक्षस ने पता नहीं कितनी लड़कियों को गायब किया और कितनी लड़कियों को खाया। इन शॉर्ट ब्रो, ये लोकेशन उस ब्रह्म राक्षस का डेन है, डेन, सो यू कांट गो देयर। उमा की जान बचानी पड़ेगी। और अगर कुछ भी हो मुझे फोन कर देना आप। ओके रॉबिन। मदन जी उठिए, मुझसे बात कीजिए, आंखें खोलिए। यहाँ से चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है उमा, चली जाओ यहाँ से। नहीं मदन जी, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो माँ, चली जाओ वरना वरना वो आ जाएगा। नहीं मदन जी, वो आ जाएगा माँ, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। मदन जी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। मदन जी अपनी आंखें खोलिए, होश में आइए, मुझसे बात कीजिए। मदन जी, पानी का, मदन जी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, लेकिन उसके बाद आपको मेरे साथ चलना होगा, मैं ऐसे आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं बस अभी आई। पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है।
कालिंदी, इसकी मौत सिर्फ तुम्हारे हाथों से हो सकती है। खत्म कर दो इसे। तुम ठीक तो हो? मदन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मदन जी, उसके पास मत जाना, इसके अंदर ही ब्रह्म राक्षस है। मदन जी, अभी थोड़ी देर पहले आप जमीन पे थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, फिर अपने पैरों पे चल के मंदिर की वो घंटियां वो आप बजा रहे थे। कहां आपकी हालत इतनी खराब हो रही थी, वो मंदिर की घंटियां या खुद चल के आना, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्रह्म राक्षस यही है, यही है वो शैतान। तुमने देखा नहीं उमा, ब्रह्म राक्षस यहाँ से गायब हुआ और सडनली ये मदन का बदन हमारे सामने आ गया। यही वो राक्षस है उमा, जिसे हम पहचान नहीं पा रहे। इतनी अचानक किसी के पैर ऐसे सही नहीं होते जिस तरह से हमारे पास चल के आ रहा था। अगर ये राक्षस ना होता तो इस तरह तुम्हें जंगल में खींच कर भी नहीं लाता। कम ऑन अंगद, मदन जी मुझे यहाँ जंगल में खींच के नहीं लेकर आए। तो कौन लाया? पृथ्वी। अंगद, मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी पीने जा रहा था, तभी मेरे सामने पृथ्वी आ गया। आ, प्यास लग रही है, हैं? बहुत प्यास लग रही है तुम्हें? रिलैक्स, रिलैक्स, रख दो। मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझा देगी। जी प्यास, बुझी। उसके बाद जब मेरी आंख खुली अंगद, मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और वो पृथ्वी मेरे सामने खड़ा था। ओ गॉड, इसका मतलब जो वीडियो और लोकेशन पिन मुझे आया था वो पृथ्वी चाचा ने मुझे भेजा था। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल अभी सवाल है। तुम्हारे पैरों में जान नहीं थी, तुम व्हीलचेयर पे थे, ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारे पास ये सुपर पावर कहाँ से आ गई कि तुम चलने लगे, अभी तुम खड़े हुए और बात कर रहे हो। अंगद, उमा मेरे लिए पानी लेने गई थी, अचानक मुझे उस राक्षस के गुर्राने की आवाज आई। मैं समझ गया था कि उस राक्षस ने उमा पे हमला किया होगा और मैं उमा को बचाना चाहता था। मुझे पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ, यहाँ एक इंच चलने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, और खड़ा होकर काली माँ के मंदिर तक पहुँच गया, वहाँ घंटियाँ बजाई। मुझे पूरा यकीन है अंगद, ये चमत्कार काली माँ ने ही किया है, ये उन्हीं की शक्ति है, उन्हीं का बल है। या तो फिर ये सब कुछ तुमने किया है, और जब तुम्हें पता चला कि अब तो अंगद आ गया,
अब कुछ भी करके कोई फायदा नहीं, तो तुमने सोचा मैं एक काम करता हूँ, जाके मंदिर में घंटा बजा बजा के हीरो बन जाता हूँ। एक मिनट अंगद, तुम्हारी शादी थी ना आज, तुम्हें मंडप पे होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत लंबी कहानी है, चलो शॉर्ट में सुनाता हूँ। आज जब मंडप में मेरी शादी हो रही थी तो मेरी माँ हीरोइन बन गई। मेरी माँ ने कुछ ऐसा कर दिया कि मेरी पैरी से शादी होने से रुक गई, जो मैं चाहता भी था। जैसा मुझे लगता है वैसा मेरी माँ को भी लगता है। इस बात को जानकर मैं बहुत खुश हूँ कि वो भी यही सोचते हैं कि मुझे उससे बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है। लेकिन अंगद, बात ये है कि कालिंदी कि मेरी कुड बी वुड बी होने वाली फ्यूचर पत्नी का, सो कॉल्ड फ्यूचर पत्नी का ऑलरेडी अफेयर चल रहा था, वो भी सिड के साथ। और शादी से पहले ही मैडम मना चुकी थी हनीमून, और वही प्रूफ लेके मेरी माँ मंडप में आ गई थी। क्या? हाँ, ये सच है कालिंदी। So sorry, अंगद, जिस सुन के बुरा लगा। मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बुरा क्यों लगेगा? वैसे भी मुझे उससे कोई शादी वादी करनी नहीं थी। वो तो भला हुआ ऐसा हो गया और मैं बच गया। लकीली नाम फ्री फ्रॉम दैट पेरी पेरी। और अब मैं डैड से जाके बोलने वाला हूँ कि उनके बेस्ट फ्रेंड की बेटी अभी सही सलामत है, जिंदा है, एकदम ठीक ठाक है, मुझसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, जिससे कि उनका प्रॉमिस भी रह जाएगा और मेरा लव शव भी पूरा हो जाएगा। नहीं अंगद, अभी नहीं। पृथ्वी चाचा और उनके बुरे कर्म सामने लाने से पहले नहीं, मुझे अभी अपने पिता जैसे चाचा जी का पर्दाफाश करना है, अतीत का वो राज खोलना है जो अब तक राज था, लेकिन अब ज्यादा देर राज रहेगा नहीं। यू नो, डैड ये बात जानकर बहुत खुश होंगे कि उनके दोस्त की बेटी से मतलब फाइनली हम लोग मिल रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि वो तुमसे मिले बिना ही चला जाएगा। कौन? तेरे चाचा जी बेटा, तेरे चाचा जी। हमें माफ कर दे, उनके बुरे कर्म उनके सामने आ गए, जो आज उनको हार्ट अटैक हो गया। चलिए जल्दी 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 चलिए चाचा जी, इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मुझे तुमसे एक राज की बात करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर सका, क्योंकि एक कसम के बोझ के तले में दबा हुआ था। कैसी कसम चाचा जी? वही कसम जिसने मुझे शक्ति जी को यह कहने से रोक दिया था कि तुम उमा नहीं, कालिंदी हो, कालिंदी। तुझे बहुत बार बताने की कोशिश की बेटा कालिंदी, लेकिन लगता है अभी मेरा वक्त आ गया। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। चाची जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। सॉरी शक्ति साहब, लेकिन राघव जी का राज मेरे साथ ही मर जाएगा। नहीं चाचा जी, ऐसी बातें मत कीजिए। अरे चलिए जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। शक्ति साहब, राघव साहब की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे मेरे लिए। चलिए जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए चलिए चलिए। ये सब क्या हो रहा है अंगद? मदन जी ने कहा था कि पृथ्वी चाचा ने उन्हें किडनैप करवाया, लेकिन यहाँ आके तो पृथ्वी चाचा ने तुम्हारे डैड के सामने अपना राज खोल दिया। वो क्या बात कर रहे थे? कौन सी कसम, कौन सा राज मेरे पापा का, जो वो मुझे बता नहीं रहे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है, कौन गलत, किस पे विश्वास करूं, किस पे विश्वास नहीं करूं। उनकी ऐसी कंडीशन है कि मैं कुछ पूछ भी नहीं सकती हूं। ये भी तो हो सकता है ना अंगद, कि पृथ्वी चाचा सही हो, और ये भी तो हो सकता है कि मदन गलत हो। किस पे विश्वास करोगी कालिंदी? उस मदन पे जो मुझे ब्रह्म राक्षस लगता है, या उन पृथ्वी चाचा पे जो तुम्हें आज भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा के बारे में कोई ना कोई राज छुपा रहे हैं?
डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? उनको होश कब आएगा? देखिए मैडम, घबराने की कोई बात नहीं है। एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल रही। He is healthy stable। ताज्जुब की ये बात है कि मैं बरसों से आपका फैमिली डॉक्टर रह चुका हूँ। मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। इन्हें हेल्थ का कोई इशू नहीं था, तो इन्हें इतना बड़ा हार्ट अटैक कैसे आ गया? मैं भी शॉक्ड हूँ डॉक्टर। इतने भले चंगे तो थे, अचानक से हार्ट अटैक कैसे आया, क्या पता? पृथ्वी जी, आप क्या ढूंढ रहे हो? वो कालिंदी कभी भी हमारे सामने आके हजारों सवाल कर सकती है। उसे पता चल गया है, जो आपने चाचा होते हुए बाप का प्यार दिया है ना, वो सारा कुछ नकली है, ड्रामा है, फरेब है। उसे आपकी असलियत पता चल चुकी है। अब वो सबका पर्दाफाश करेगी और हमें जेल भेज देगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो वो बीपी जब हाई होता है उसे लो करने की दवाई है ना। तो समझ लो कि मेरा बीपी बहुत हाई हो गया है, उसे लो करने जा रहा हूँ। ये इंजेक्शन लो और मुझे यहाँ लगाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं होगा प्रीति जी। और ये जरूरत से ज्यादा डोज है प्रीति जी। शालिनी, ये जरूरत से ज्यादा डोज नहीं है। ये डोज मुझे सिर्फ उतना ही बीमार करेगा जिसे देखकर कालिंदी मुझ पर तरस खाएगी और फिर मुझे माफ कर देगी। मुझ पर बिना इल्जाम लगा के हमारी जिंदगी की गाड़ी आराम से चलेगी। लगाओ इस डोज को। प्रीति जी, हालत ज्यादा खराब दिखाने के चक्कर में ये जरूरत से ज्यादा डोज हो गया और असलियत में आप मरूंगा नहीं। मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि दवाई लगाकर खुद को मार दूँ। सिर्फ उतना लगा रहा हूँ जितना जरूरत है। अब जल्दी लगाओ वरना वो कालिनी आकर मेरा दिमाग खाएगी। लगाओ। नहीं नहीं, कालिनी लगाओ। नहीं, मुझे नहीं होगा पृथ्वी जी। कालिनी लगाओ। क्या हो रहा है? अब एम्बुलेंस बुलाओ। एम्बुलेंस बुलाओ पृथ्वी जी। अरे अरे अरे, अरे ये क्या हो गया? ये चले तो नहीं गए पृथ्वी जी? एम्बुलेंस, अरे कोई है, कोई बचाओ इनको, कोई बचाओ। ये क्या कर बैठे? पृथ्वी जी, आपकी चाल तो गजब कर गई। बस अभी जल्दी से होश में आ जाइए। होश में आ गए मेरे पति, होश में आ गए। अरे नर्स, डॉक्टर, इनको होश आ गया। हाय हाय पृथ्वी जी, माता रानी शुक्र है। ये देखो होश आ गया। सिस्टर, ये इतनी जल्दी होश में कैसे आ गए? डोज कम दिया था क्या? नहीं सर, मैंने तो फुल डोज दिया था। ये देखिए, ये डोज देने के बाद कोई भी इतनी जल्दी होश में नहीं आ सकता है। अरे आपकी डोज की वजह से मेरे पति होश में आए हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। पर नहीं, आपको तो बिल बढ़ाना है ना, सब समझ में आता है मुझे। अच्छा आप ये बात बताइए, मैं कब ले जा सकती हूँ अपने पति को घर? हाँ पृथ्वी जी, आपको तो खुशी हो रही है ना, मैं आपको इतनी जल्द घर ले जा रही हूँ। गणपति बापा, मुझे नहीं पता कि चाचा जी ने ऐसा क्यों किया कि कंडीशन इतनी खराब है, मैं उनसे कुछ बात भी नहीं कर सकती हूँ। आप प्लीज बस उन्हें बचा लीजिए। चाची का फोन। हेलो चाची जी। कालिंदी बेटा, माता रानी ने तेरी सुन ली, तेरे चाचा जी होश में आ गए। चाची मैं अभी आ रही हूँ। हॉस्पिटल के हर वार्ड में इतना स्टाफ है, ये नहीं कि यहाँ पर भी एक स्टाफ लगा दे। बस मैं यहाँ पे मुर्दा घर में अकेली भटकती रहूँ, दिन रात उनके नाम लिखते रहो और गिनती करते रहो। इनके पास तो दिल नाम की चीज ही नहीं है। ये सब क्या? इसका तो दिल गायब है। इसका भी दिल गायब है। सबका दिल गायब है। कौन ले गया इनका दिल? पृथ्वी जी, आप इतनी देर बेहोश थे तो आपको भूख तो लगी होगी, इसलिए मैं आपके फेवरेट रेस्टोरेंट जाकर आपके लिए फेवरेट डिश लाई। पृथ्वी जी, ये कहाँ चले गए? पृथ्वी जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपके लिए बटर चिकन लाई हूँ, चलिए खा लीजिए। इंसानों का दिल खाने वाला जानवरों का दिल क्यों खाएगा?
मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, कालिंदी का दिल कैसे आपने तोड़ मड़ोड़ के खाया है ना अच्छे से, इसलिए तो नकली अटैक में निपट गए। अगर असली हार्ट अटैक हो जाता तो फिर आप तो। पृथ्वी चाचा एक मिनट, कालिंदी बेटा इधर आ सर, इधर आ बेटा। बेटा मैं जानती हूँ अपने चाचा को चंगा देकर तुझे बहुत खुशी हो रही है, पर हाथ जोड़कर तेरे सामने एक विनती करती हूँ, अपने चाचा के सामने कोई सवाल जवाब मत करना। अरे होश में आने के बाद से इनका व्यवहार पता नहीं अजीब सा हो गया है, मुझे तो लगता है कि इनके दिल ने उस सदमे को बर्दाश्त कर लिया लेकिन दिमाग अभी भी उस सदमे के लपेटे में है। सुन ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना ठीक है। चाची आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि चाचा जी को कुछ हुआ नहीं और कभी कुछ होगा भी नहीं, तब तक जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होता मैं मरूंगा भी नहीं। हैं? हॉस्पिटल के कमरे में आपको कौन सा लक्ष्य पूरा करना है जी? अंगद और कालिंदी के शादी का लक्ष्य। चाचा जी क्या बोल रहे हैं, पहले आप ठीक तो हो जाइए, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। कैसे नहीं करनी है? वादा कर अपने चाचा जी से कि तू अंगद से शादी करेगी। जी जी चाचा जी। अंगद 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 से शादी मत करो कालिंदी। मदन जी हॉस्पिटल से निकलते साथ सबसे पहले अपनी शादी की न्यूज मैंने आपको दी है और अब आप कह रहे हैं कि मैं शादी ना करूं। कालिंदी तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ जो सब चाहते हैं, तुम्हारी अंगद से शादी हो जाए, तुम लोग खुश रहो, क्योंकि मुझे भी लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचो आसपास क्या हो रहा है। तुम्हारे चाचा पृथ्वी चाचा जो कुछ घंटों पहले जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे अचानक होश में आ जाते और कहते हैं कि इन दोनों की शादी करा दो। क्यों तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? हाँ मेरा मतलब है कि पृथ्वी चाचा जैसे इंसान को तुम्हारी शादी में क्या दिलचस्पी हो सकती है? सही कहा आपने, आप ही बताओ कि पृथ्वी चाचा को मेरी शादी में दिलचस्पी क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अंगद से खास मुहूर्त में शादी करो और उस खास मुहूर्त में वो अंगद का शरीर मेरा मतलब है कि रूप ले ले और तुमसे शादी कर ले। अंगद का शरीर अंगद का रूप, तो आप कहना चाहते हैं कि पृथ्वी चाचू ब्रह्म राक्षस है? मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पृथ्वी चाचू ही ब्रह्म राक्षस है और तुम जानती हो कि ब्रह्म राक्षस किसी का भी रूप ले सकता है, किसी का भी शरीर, खासकर उसका जो मौत के मुंह से गुजर कर वापस आया, जैसे कि तुम्हारे चाचा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कालिंदी कि तुम्हारे चाचा कभी वापस आए ही ना हो, उनके शरीर में वो ब्रह्म राक्षस आया हो। और ऐसा ना हो कालिंदी कि जल्दबाजी में शादी करके तुम अपना अपना प्यार खो दो। शक्ति जी जस्ट लुक एट दिस नेकलेस, सो ब्यूटीफुल ना, ये मैंने कालिंदी के लिए बनवाया था। आई नो दिस इज नॉट द टाइम, पृथ्वी जी हॉस्पिटल में है, पर क्या करें हमारे पास टाइम भी तो नहीं है। दिस सो प्रिटी, मुझे रहा नहीं गया। वाह क्या बात है, जो मेरी देश की मिट्टी से दूर भागती थी, जिसे देसी लड़कियां जरा नहीं भाती थी, वो आज देसी बहू के लिए इतनी एक्साइटेड। जी भर के टॉन कर लीजिए, पर एक बात याद रखिएगा कि मैं एक माँ हूँ, एंड यू नो एक माँ को इतना तो पता होता है कि चाहे लड़की देसी हो या विदेशी, बस उसे प्यार करने वाली हो। सिर्फ प्यार करना जरूरी थोड़ी ना होता आंटी, प्यार का इजहार करना भी तो जरूरी होता है ना। थैंक यू। अब आप भी बताओ कि दी गई थी हॉस्पिटल, और जीजू कर रहे थे उनका डेस्परेटली वेट कि कब दी आएंगी, कब वो उनसे मिलेंगे, और पूछो क्या हुआ। क्या हुआ? सर पे ओले गिर गए, और मैं तो इतनी एक्साइटेड थी ना कि मैं जीजू को लेकर चला गई दी से मिलने के लिए। पूछो क्यों? क्यों?
क्योंकि जीजू दी को प्रपोज करना चाहते थे। बेचारे कितने नर्वस थे, ऐसे तो लंदन रिटर्न है, पर वो कहते हैं ना पहला प्यार है पहला प्यार, उस प्यार के सामने मुंह नहीं खुलता। फिर भी अपनी सारी एनर्जी लगा के जीजू प्रपोज करने ही लगे थे। बेसिकली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। वो एक मोमेंट आ ही गया था, जस्ट इमेजिन करो ऑल ऑफ अ सडन निक ऑफ द टाइम देखो क्या याद आ गया। अंगद, मैंने चाचा चाची के लिए चाय रखी है, मैं वो देखकर आती हूँ। अब आप दोनों भी, ये कोई हंसने की बात थोड़ी ना है। जीजू इतने रोमांटिक, इतना प्यार करने वाले, और दी प्यार पे ओले बरसाने वाली। मैं ना आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप 100 बार सोचना दी को बहू बनाने से पहले। आई थिंक हम दोनों ने सोच लिया है, अब तुम सोच लो कि तुम हमारी बहू बनोगी या नहीं। मुझे कोई एतराज नहीं। राइट? और तुम हमारी बहू बनो, इससे आई थिंक तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? आप कुछ डिसाइड करो और मुझे उससे कोई एतराज हो सकता है? नेवर। अच्छा तो एक काम करते हैं, जस्ट ट्राई दिस नेकलेस, ये मैंने अपनी बहू के लिए बनवाया। चलो चलो और देखते कैसा लगता है। एक मिनट। वाह ब्यूटीफुल, मैं तो कहता हूँ मॉम आज ही मंडप में बिठा दो। शी इज ब्लशिंग। हाय हाय, किसी और के झुमके पहनकर इतनी हवा में उड़ रही है तू, थोड़ा संभाल कर वरना ऐसी गिर जाएगी। तू किसको बोल रही है? उसे ही जो मेरे बाजू में खड़ी है, बट उसे लग रहा है कि वो हवा में उड़ रही है। तू मुझे बोल रही है? यस, और किसको बोलूंगी? एक्सक्यूज मी भूतनी की पूंछ, जरा मुझसे भी संभाल के बात करना, क्योंकि अब मैं कोई एवे नहीं हूँ। मैं मिसेज अंगद की होने वाली लाडली बहन हूँ और बहुत जल्द होने वाली मिसेज रॉबिन भी, सो जरा आराम से। ओके हाय हाय मधुमक्खी, मैंने तुझे पहले भी बोला था और अब दोबारा बोल रही हूँ। ओपन चैलेंज, तू चाहे जितना भी मंडराना है ना मंडरा, पर उसकी लाइफ में एंट्री मारकर उसके साथ कभी सेट नहीं हो सकती, क्योंकि रॉबिन की बेटर हाफ मैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। लेट्स सी। टंग 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 टंग। अंगद तुम यहाँ, और ये क्या लेकर आए हो? अभी बताता हूँ, ये उन कामों की लिस्ट है जो मैंने अपने आप को तुमसे रिप्लेस करके कर दिया। मतलब? सिलेंडर चेंज कर दिया। तुमने सिलेंडर चेंज किया? अरे रुको रुको, अभी और भी बहुत कुछ है। लॉन्ड्री के लिए कपड़े दे दिए, राशन भर दिया, सब्जियां धो दी। एंड फाइनली मैंने लल्लू लाल को बोल दिया है कि 3 लीटर दूध ज्यादा लगेगा। लेकिन अंगद तुमने ये सब क्यों किया? अभी बताता हूँ, अगर ये सब कुछ मैं ना करता तो ये सब कुछ तुम करती, और अगर तुम ये सब कुछ करती तो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए 2 मिनट भी नहीं होते। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए 2 मिनट भी नहीं होते तो हम प्यार की बातें कैसे कर पाते? हम लव वर्ड्स की तरह वादियों में जाएं, किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, कितना मजा आएगा। भेलपुरी खाते तुम? अंगद सही तो कह रहा हूँ, मेरी बेटर हाफ मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। हम दोनों अगर ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे तभी तो प्यार बढ़ेगा, तभी तो मजा आएगा जिंदगी का, यू नो। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटर हाफ मुझे बताए कि उसके प्रिंस चार्मिंग से शादी करने के बाद उसे कैसा लगेगा। ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, खुशी भी होगी, लेकिन लेकिन अब भी लेकिन अंगद तुम सोचो ना, क्या क्या ये सही समय? पृथ्वी चाचू को इतना बड़ा हार्ट अटैक आया, वो अभी हॉस्पिटल में है, वो भ्रम राक्षस वो अभी भी आजाद घूम रहा है। माँ कसम, तुम्हारे ये पृथ्वी चाचू ना मुझे दुनिया के सबसे मिस्टीरियस मैन लगते हैं। मुझे अभी हॉस्पिटल में हो या मुर्दा घर में हो या बाथरूम में भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अंगद प्लीज, तुम पृथ्वी चाचू के बारे में ऐसी बातें मत करो। छोड़ो, तुम्हारे चाचा की मदर जाए, तुम ब्रह्म राक्षस की बात करो। ब्रह्म राक्षस को क्या चाहिए? तुम। मुझे क्या चाहिए? तुम। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी और मेरी जिंदगी में आ जाओगी तो ब्रह्म राक्षस तुम्हारी जिंदगी से ऑटोमेटिकली चला जाएगा ना। गेटिंग? अब जब मियां बीवी काजी तो क्या करेगा राजी? मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तुम समझ गई ना? हाँ मैं समझ गई। सॉर्टेड। लेकिन अंगद अब तुम भी उस राक्षस से कॉम्पिटिशन करने लगे। कॉम्पिटिशन अंगद किसी के साथ नहीं करता। अंगद के सामने कोई आ जाता है और स्पेशली जब हमारे प्यार के बीच में कोई आ जाएगा ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्यों, तुम्हें अपने प्रिंस में भरोसा नहीं है? है ना? गुड, नाउ वन लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन, शादी कैसे करनी है? मतलब भाग के करनी है, सब लोगों के साथ में, रीति रिवाजों के साथ करनी है, या आइडिया अभी कर लेते हैं? नहीं अंगद ऐसे नहीं, सही मुहूर्त पे करेंगे ना, सबके सामने सबके साथ रस्मों कस्मों के साथ।
और शादी के बाद Oh God. क्या हुआ? अंगद वो पृथ्वी चाचू आने वाले मैं जाती हूँ. I can't believe. ऐसा आदमी जो सारी जिंदगी तुमसे ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराता रहा, ऐसा आदमी जो सारी जिंदगी तुम्हें अलग अलग तरीके के धोखे देता रहा, तुम अभी भी उसकी केयर कर रही हो. अंगद मुझे सब याद है कि ये सही वक्त नहीं है. सही वक्त पे ना मैं अपने सारे सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन अभी नहीं, मैं जाती हूँ. अरे ओ सुनो, ना 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 जी ना, इतनी आसानी से लड़की हाथ में नहीं आने वाली, कुछ तो करना पड़ेगा. आई आई. हाँ आराम से आराम से आराम से. आई आई बस बस आई आई. बैठ जाइए बैठ जाइए. मिल लीजिए पानी. सर पानी. चाचा जी आराम से. इन कांपते हुए हाथों पे मच्छन, तेरा कन्यादान करते हुए मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपेंगे. अच्छा चलिए आराम करते हैं. चल उठ जरा हाथ. आइए आइए आइए, डॉक्टर ने बोला है ना आराम करने के लिए. आइए आइए. पृथ्वी चाचा जैसे इंसान को तुम्हारी शादी में क्या दिलचस्पी हो सकती है? वो चाहते हैं कि तुम अंगद से खास मुहूर्त में शादी करो, और उस खास मुहूर्त में वो अंगद का शरीर, मेरा मतलब है कि रूप ले ले और तुमसे शादी कर ले.